बहन ने किया एक बहन का कत्ल। बड़ी बहन ने मारा छोटी बहन को, गला दबाकर उतारा मौत के घाट। सुल्तानपुर से बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बहन अपनी दूसरी बहन पर जी जान लुटा देती है, वहीं एक बहन ने अपनी सगी बहन को मौत के घाट उतार दिया। छोटी बहन की गलती सिर्फ इतनी कि उसने अपनी बड़ी बहन की शिकायत मां से कर दी थी, जिसके चलते उसको डांट और मार पड़ी। बस फिर क्या, आरोपी बहन ने हत्या की साजिश को अंजाम दे डाला और आज पुलिस की गिरफ्त में है। जी हाँ, प्रेम प्रसंग में खलल पड़ने पर बड़ी बहन ने छोटी बहन का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। मामला चाना थाना क्षेत्र के धनुआ गांव का है, जहां पर 3 दिन पहले 10 वर्षीय साक्षी का शव घर में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने का खुलासा होने पर पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि साक्षी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन ने ही की है। पुलिस ने हत्यारण बहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चाला थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी, जिसके तहत बहुत सारे तथ्य निकल के आए। उन तथ्यों में से एक तथ्य ये था कि उनकी बहन के ऊपर ही पुलिस को शक था, क्योंकि वहाँ पर घटनास्थल पर वो मौजूद भी थी और उसकी माँ ने भी बताया था कि घटनास्थल मौजूद थी। तो पुलिस ने जब पूछताछ शुरू करी, एविडेंस कलेक्शन शुरू हुआ, तो फिर उसकी बहन ने स्वीकार किया कि हाँ, उसकी हत्या उसके द्वारा ही की गई थी। इसमें तथ्य निकल के आया कि चूँकि वो किसी युवक से प्रेम करती थी और घर वाले उसमें बाधा बने हुए थे, जो छोटी बच्ची थी उसने उसका मोबाइल छीन के अपनी माँ को दे दिया था, तो उसी को बदला लेने के लिए उस युवती के द्वारा अपनी छोटी बहन की हत्या कर दी गई थी। हत्यारोपी बहन के मुताबिक वो मोबाइल से अपने प्रेमी से बात करती थी। ये करतूत साक्षी ने माँ को बता दी और मोबाइल भी माँ को दे दिया था। अपनी पिटाई से छुप उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। फोन पे बात करते रहे, मम्मी रोकत रहे, गला दबा के। अकेले मारी और कोई साथ में? अकेले, फांसी पे नहीं, गला दबा के। सुल्तानपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए नफीस खान की रिपोर्ट।